असलकम क्लास नाइन्थ एन वन एन पी वन बॉयज़ एंड गर्ल्स टू डे ट्वेंटी एथ अप्रेल टू थाउजेंड ट्वेंटी आ टॉपिक ऑफ़ डिस्कशन इज़ समर वैसा कि आप जानते हैं कि अब हम समर वेकेशन वर्क में चैप्टर नंबर सिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो इसको भी हम अकॉर्डिंगली ही स्टडी करेंगे जैसे कि हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं तो आज भी हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन एम सी क्यूज को देखेंगे आफ्टर देन शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन डैश एंजाइम यूज टू डाइजेस्ट लिपिड्स कौन सा एंजाइम है जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है अमाइलेस लाइपेस प्रोटीज एंड हाइड्रोलेस ठीक है तो लाइपेज एंजाइम वो एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करता है लिपिड्स को ठीक है लिपिड्स की ब्रेकडाउन करता है और इसको याद करने का तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब लाइपेज एंजाइम है तो उसके फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स और लिपिड्स उसके फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स सेम है सिमिलर ठीक है कि अगर आपको एंजाइम्स जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को ठीक है लाइक जैसे कि लाइपेज ब्रेक डाउन कर रहा है लिपिड्स की लिपिड्स को डाइजेस्ट कर रहा है तो आप उसे उसके फर्स्ट थ्री अल्फाबेट की सिमिलैरिटी की बेस पर याद कर सकती है। as, हैं ठीक है ऑल एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड एज यानी जितने भी एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम्स की जब वो आक्यूपाई हो जाती हैं सबस्ट्रेट से तो इसे क्या कहते हैं ये जो एम है ये है फ्रॉम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ठीक है तो ये उस टॉपिक में से है यानी जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम एंजाइम्स की जो क्वांटिटी है उसे कांस्टेंट रखते हैं और सबस्ट्रेट को इंक्रीज करें सबस्ट्रेट के लेवल को ठीक है तो क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब एंजाइम्स की जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं वो तो तमाम एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी बाय द सबस्ट्रेट तो उस पॉइंट को कहेंगे सैचूरेशन ठीक है और इस पॉइंट के बाद आप जितने भी सबस्ट्रेट और ऐड करेंगे तो उस रिएक्शन पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा तो ये जो आपका सेकेंड एम है इसका आंसर जो है वो है सेचूरेशन Second point. Next, high temperature increase dash of molecules of enzyme. हाई टेम्परेचर जो है वो एन्ज़ाइम्स के मॉलिक्यूल में क्या चीज़ इंक्रीज़ करती है कौन सी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब आप इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को ठीक है इन्ज़ाइम का जो टेम्परेचर है उसे इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो एटम्स मौजूद हैं उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाएगी उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाएगी ठीक है तो वो एनर्जी जो मूवमेंट से होती है ठीक है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ठीक है जैसे कि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट इज़ कॉल्ड कानेटिक एनर्जी एंड एनर्जी ड्यू टू हाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल इसी तरह के जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो एंज़ाइम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी भी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो गई तो जब उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हुई तो उनकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो गई ठीक है तो वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट तो इसलिए जो ये एम है कि हाई टेम्परेचर पर इंक्रीज़ होगी एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ इन्ज़ाइम ठीक है क्योंकि उनकी मूवमेंट ज्यादा हो रही है ना तो अब वो जो मूवमेंट हो रही है तो वो मूवमेंट जो है वो आएगी कानेटिक एनर्जी में तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट कानेटिक एनर्जी नेक्स्ट to मॉडल यानी ये स्टेटमेंट जो है ये कौन सा मॉडल जो है वो जस्टिफाई करता है इस स्टेटमेंट को कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो मोल्ड होती है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट लॉक एंड की मॉडल बोहर्जोमिक मॉडल लॉट लॉक एंड फिट मॉडल इंड्यूस्ड फिट मॉडल तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इंड्यूस्ड फिट मॉडल इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है जब ये प्रपोज किया गया तो ये मॉडल एक्चुअली जो लॉक एंड की मॉडल है उसी में ही मॉडिफिकेशन को कहा गया ठीक है यानी लोकन की मॉडल जो था कि इंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिक होती है और सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक होता है और दोनों जो स्पेसिफिक शेप पोजेस करते हैं तो इस लिहाज से स्पेसिफ़िक इंजाइम में स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड करता है ठीक है तो जब लॉकन की मॉडल में कुछ मॉडिफ़िकेशन की गई तो नेक्स्ट मॉडल जो प्रपोज़ किया गया उसका नाम था इंड्यूज फिट मॉडल अब फिट मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट्स हैं इंजाइम्स की वो अपने आप को मोल्ड कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट नेक्स्ट इंजाइम्स बिलोंग टू डैश कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन विटामिन। तो इसमें है कि इंजाइम बिलोंग टू प्रोटीन ठीक है प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं फॉर एग्जांपल अगर एक वॉल आपने बिल्ड करनी है वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे ब्रिक्स को इकट्ठा करेंगे ठीक है ब्रिक्स को अरेंज करेंगे एक जगह पे और एक वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे दीवार बनाएंगे ठीक है तो बिल्कुल इसी तरह जो अमाइनो एसिड्स हैं अमाइनो एसिड्स कंबाइन करके प्रोटीन बनाएंगे ठीक है और एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बिलोंग करते हैं एनजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है तो हम अब डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और आफ्टर दैट हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन मेटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म की डेफिनीशन मेटाबॉलिज़म क्या होती है टेक आउट पेज वन जीरो सेवन पेज नंबर में जो एनजाइम्स का जो फर्स्ट पेज है एंजाइम्स के चैप्टर का उसमें सेकेंड लाइन सेकेंड लाइन पे हमने क्वेश्चन राइट किया था डिफाइंड मेटाबोलिज्म डिफाइंड मेटाबोलिज्म का आंसर है सेकेंड लाइन कैंड से मेटाबोलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनऑर्डर टू में यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं है वो होते हैं उन कंप्लीट बायोकेमिकल रिएक्शन के सेट जो हैं उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म ठीक है, है? यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं लाइक लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं वो टूट कर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं एज अ होल कंप्लीटली उन्हें कलेक्टिवली उन्हें कहा जाता है मेटाबॉलिज्म ठीक है फिर से इसकी डेफिनेशन सुन लाइन के लास्ट इज़ द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स स्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में बताना है आपने ठीक है तो टेक आउट योर पेज वन जीरो एट जब ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर तो पर आएगा तो आप पेज नंबर वन जीरो एट और वन जीरो नाइन जो है उसे कंप्लीट लिखेंगे ठीक है एज द करेक्टरिस्टिक्स लेकिन अब ये शॉर्ट में है तो शॉर्ट में आपने कैसे लिखना है शॉर्ट में आपने एटलीस्ट फोर करेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिखने हैं कम से कम भी चार करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा से ज़्यादा तो आप सभी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन अगर कम से कम आपने लिखने हैं तो कम से कम चार करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन को कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो ये क्वेश्चन है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाम लिखने हैं आपने तो पेज नंबर वन ज़ीरो एट में जो फर्स्ट करेक्टर है फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंजाइम की ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन ठीक है दैट इज दे आर up ऑफ अमाइनो एसिड So आप इन दोनों जो लाइन हैं इनको ब्रेक करके कर सकते हैं कि almost all enzymes are protein. ये नंबर वन पे कर लो और देन एसिड uh, उसके बाद मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियन टाइम्स ऑफ फास्टरबल रिएक्शन ठीक है यहाँ तक एज़ विद ऑल केटेलिस्ट नहीं करना आपने और इसके बाद एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रियक्शन्स दे कैटलाइज ठीक है ये लाइन और इसके बाद पेज नंबर वन जीरो नाइन पर इंज़ाइम्स आर यूजली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सब स्ट्रेट ठीक है यहाँ तक आपने जो करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रॉपर्टीज हैं इंजाइम की वो करनी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है अगर आप इसमें और भी एड करना चाहते हैं तो एक्टिव साइट्स को फैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप को इन्जाइम मेटाबोलिक पाथवे ठीक है इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं बट मिनिमम प्रॉपर्टीज़ जो है मिनिमम करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये चार होनी चाहिए चार लाजमी होनी चाहिए ठीक है मिनिमम फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूज ऑफ एंजाइम टेक आउट योर पेज वन जीरो नाइन यूजेज ऑफ enzymes में enzymes आर एक्सटेंसिवली यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शन पहले ये लाइन लिखेंगे आप ठीक है और उसके बाद इसकी जो हेडिंग्स है वो देंगे फूड इंडस्ट्री ब्रीविंग इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री एंड बायोलॉजिकल डिटर्जेंट ठीक है ये चार जो पॉइंट्स हैं इनको ऐसे ही लिखेंगे उसके बाद इनमें से कोई से दो पॉइंट्स की हेडिंग देकर उनकी डिटेल लिख देंगे ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इतना लिखना है लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग के लिए हो तो आपने ये चारों जो यूजेस हैं चार यूजेस हैं ये कंप्लीट लिखने हैं ठीक है लेकिन शॉर्ट में अगर आप दो को लिखकर कर उन्हें डिफाइन कर दें तो वो भी ठीक है लेकिन जो ये चार हेडिंग्स हैं ये भी सेपरेटली लिखनी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में क्या डिफरेंस है ठीक है इसके लिए टेक आउट योर पेज वन जीरो सेवन पेज नंबर वन जीरो सेवन में कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की डेफिनेशन है ठीक है जैसा कि जहाँ पर आपने पहले हेडिंग दी थी डिफाइन मेटाबॉलिज्म उसके बाद था इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म ठीक है और इम्पोर्टेंस के बाद हेडिंग है फर्दर हैडिंग डिफाइन एनाबोलिज्म जहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा था जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इस चैप्टर पर क्वेश्चन लिखा था डिफाइन एनाबॉलिज्म ठीक है सेवंथ लाइन जो फर्स्ट पैराग्राफ की सेवंथ लाइन है वहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा था डिफ़ाइन एनाबोलिज्म तो एनाबोलीजम इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मोलिक्यूल्स आर सिंथिसाइज यानी एनाबोलिज़म में वो रिएक्शन होते हैं वो बायो केमिकल रिएक्शन जिसमें लार्जर मोलिक्यूल्स बनते हैं और इसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग दी थी डिफाइन कैटाबोलिज्म कैटाबोलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन यानी कैटाबोलिज्म में वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें लार्जर मोलिक्यूल्स जो है वो टूट जाते हैं ठीक है लार्जर मोलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और ये जो आपका डिफरेंस है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का ये आपने दरम्यान में लाइन लगा कर डिफ्रेंशिएट की फॉर्म में लिखना है ठीक है बिकॉज ये डिफरेंशियट की फॉर्म में है तो डिफरेंशिएट में दरमियान में लाइन लगा कर करना है और इनकी जो डेफिनीशन है वो ही डिफरेंशियट कर रही है एक दूसरे के पॉइंट्स को ठीक है कि कैटाबोलिज़म में क्या होता है कि लार्जर मोलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और एनाबोलिज़्म में जो स्मॉलर मोलिक्यूल्स हैं वो कम्बाइन करके लार्जर मोलिक्यूल्स बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट है डिफाइन को फैक्टर विद एग्जाम्पल को फैक्टर को डिफाइन करना है एग्जाम्पल्स के साथ टेक आउट योर पेज वन जीरो नाइन पेज नंबर वन जीरो नाइन निकाल लें नंबर वन जीरो नाइन इसका जो फोर्थ पैराग्राफ है सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क कुछ एंजाइम जो होते हैं उनमें कोई भी एडिशनल कंपोनेंट नहीं चाहिए होता काम करने के लिए हाउ एवर अदर रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आइन टू वर्क इस कॉल्ड को फैक्टर ठीक है कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उन्हें काम करने के लिए कोई भी एडिशनल कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती जबकि कुछ एंजाइम जो हैं उन्हें नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आइन्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी फंक्शनिंग के लिए तो उन्हें कहते हैं को फैक्टर्स कोफैक्टर्स कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को फैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी ठीक है इनऑर्गेनिक को फैक्टर में एग्जाम्पल है मेटल आइन्स की और ऑर्गेनिक कोफैक्टर में एग्जाम्पल्स हैं फ्लेवन एंड हीम नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस द लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन ठीक है के लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है तो इसके लिए टेक आउट योर पेज वन जीरो नाइन पेज नंबर वन जीरो नाइन नो पेज नंबर वन इलेवन सॉरी पेज नंबर वन इलेवन पेज नंबर वन इलेवन पर इसका आंसर है इस क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन का और यहाँ पर इस आंसर की हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ठीक है यानी ये लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल जो है ये सब हेडिंग है इस क्वेश्चन की तो जो फर्स्ट हेडिंग है ठीक है वो क्या है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन सब uh, क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन तो बच्चे इसमें लिख देते हैं फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन में सिर्फ लॉक एंड की मॉडल और फिट मॉडल को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंटली देखा है तो काइंडली जब आप ये देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सब हेडिंग्स आ रही हैं तो आपको याद होना चाहिए कि मेन हेडिंग क्या है इस क्वेश्चन की ठीक है लाइक इस क्वेश्चन की जो मेन हेडिंग है वो है मैकेनिज्म ऑफ एन्जाइमेक्शन ऑल दो ये आपके क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुई है लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है लोकन की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ़ एंजाइम एक्शन तो ये मेकेानिज़म ऑफ एंजाइम एक्शन को बता रहा है उसे एक्सप्लेन कर रहा है ठीक है तो आपने जो मेन हेडिंग है वो लाजमी याद करनी है सब हेडिंग के साथ तो इसमें पेज नंबर वन अलेवन जो है मेकेानिज़म ऑफ एंजाइम एक्शन इसकी ये जो तीन लाइनें हैं ये कंप्लीट आप लिखेंगे विद इक्वेशन

टेकआउट योर पेज वन टवेल्व फिर आपने पेज नंबर वन टवेल्व पर जो लॉक इन की मॉडल यानी ड्यूज फिट मॉडल है वो लिखना है लाइक like, सबसे सब पहले आपने उसकी हिस्ट्री लिखनी है ठीक है कि कौन से साइंटिस्ट ने बायोलॉजिस्ट ने इसे प्रपोज किया ठीक है किस डेट में उनकी डेट लिखनी है आफ्टर दैट उनकी स्टेटमेंट लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ठीक है लाइक अब लॉकन की मॉडल में है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम्स एंड स्पेसिफिक शेप इनजाफिकेप एक्टली इन टू वन दिस मॉडल एक्सप्लेन द एंजाइम स्पेसिफिसिटी ठीक है और आफ्टर दैन उसकी डायग्राम बिल्कुल इसी तरह इंडियो फिट मॉडल में आप सबसे पहले उसकी डिस्कवरी लिखेंगे उसकी हिस्ट्री लिखेंगे ठीक है हिस्ट्री लिखने के बाद भी आप उसके जो डेफिनेशन है यानी उसकी स्टेटमेंट है वो लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर रादर इट मोल्डेड इन टू रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ठीक है और एक छोटा सा स्टार बनाकर अलग से पॉइंट में आपने लिखना है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल दैन एंड की मॉडल ऑफ इनजाइम एक्शन ठीक है और आगे वही आंसर क्वेश्चन का जो कि मैंने आपको लिखवाया था जब ये चैप्टर पढ़ा रही थी ठीक है के ड्यू टू एक्टिव साइट्स के वो एक्टिव साइट जो होती है वो रिजिड नहीं होती अपने आप को मोल्ड कर लेती है तो इस प्रॉपर्टी की बेस पर ये जो मॉडल है वो मोर एक्सेप्टेबल है ठीक है होप यू अंडरस्टैंड क्लास इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस ठीक है अल्लाह हाफिज़ टेक केयर